अगर बीए भी है तो, क्योंकि अभी हम लोगों ने कुछ स्कूलों को कराई थी तो उसमें बीए का चल रहा था। चार फोटोग्राफ होने चाहिए बिल्डिंग के, बिल्डिंग के चारों तरफ से फोटोग्राफ होने चाहिए चार, वो भी जरूरी है इसमें। और ऑडिट रिपोर्ट, हमारी जो ऑडिट होती है सीएस हम लोग अमूमन कराते हैं, ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए, वो भी कंपल्सरी है। ये 9 पॉइंट है जो हमारे पास अगर है, अक्सर हमारे जो जो स्टूडेंट चल रहे हैं उनमें एक अक्सर, मुझे उम्मीद इंशाल्लाह ये सब चीजें इंशाल्लाह सब है हमारे पास, तो इसको लेके हम लोग ले सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट से बचने के लिए, क्योंकि डीओ बीओ ये वो दुनिया भर की फॉर्मेलिटी होती है। आरटीई में आजकल बहुत सख्ती चल रही है। एक हमारे पास में 10वां पॉइंट जो ये है, ये इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सोर्स ऑफ इनकम, हमारे पास इनकम का क्या सोर्स है, हम लोग उसमें क्या करते हैं। जो हमारा एक विभाग में अभी अभी मदरसे को हम लोगों ने कराया है, मदरसे के साथ में हम लोग स्कूल भी वहां चला रहे हैं तिरवाड़ा गांव में, वहां अभी कराया था हमने, उसमें एक्चुअल में चंदा दिखाया, सच्चाई दिखाई है, ये सच्चा है, उसकी स्लिप कोई देखता है ना देखे उसकी कोई मैटर नहीं करता। तो ये 10 पॉइंट है, इन 10 पॉइंटों को हम लोग सबमिट कर देते हैं। इसको सबमिट करने के लिए आसान तरीका ये है, हालांकि एक रास्ता तो ये है कि हम लोग स्टेट का कहीं ना कहीं पर रीजनल डायरेक्टर होता है, 7 स्टेट का, 8 का, 3 का, 2 का, लेकिन वहां सबमिट ना करें। एक अच्छी सुविधा ये है कि एनआईओएस में माइनॉरिटी सेल स्पेशल दिल्ली में जो नोएडा में हेड ऑफिस है वहां पर बना हुआ है, उसमें जमा करें, वहां जब फाइल सेंड होगी तो वहां से बहुत जल्दी थोड़े प्रोसेस में वो फाइल आगे सबमिट हो जाएगी और उसके लिए इंस्पेक्शन वगैरह जल्दी हो जाएगा। नहीं तो हम लोग अपने स्टेट का जो ऑफिस होता है वहां भी हम लोग जमा कर सकते हैं इसकी फाइलें। और इससे बहुत से फायदे हैं, सबसे बड़ा फायदा तो ये भी है, जैसे अभी मैं बता रहा था लिटरेसी में जो लोग जहां जहां काम कर रहे हैं डिफरेंट जगह पे, वो काम भी हमारे इसके द्वारा हो सकते हैं, उन बच्चों को पढ़ाने के साथ में हम लोग सर्टिफिकेट जारी करा सकते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं। दूसरी बात यह कि इसके द्वारा हम लोगों को एक रास्ता मिला था, और रास्ता ये था कि खर्चे बढ़ जाते हैं तो इनकम को तलाश करता है इंसान। हम लोगों ने क्या काम किया था कि एसपीक्यूएम एक स्कीम है, उसमें अप्लाई कराया मेवात के 49 मदरसे और स्कूल, मतलब इनमें जो जिन्होंने ओबी ले रखी थी उन लोगों में प्रोसेस में चल रहा है, 6 को फंड मिल चुका है, उसके बारे में नहीं बताता हूं। इसमें जो है जो फीस की है, जो ए लेवल के बच्चे से 300 रुपए गवर्नमेंट लेती है, पहले 100 रुपए लेती थी सबसे, लेकिन अभी पिछले 2 साल पहले ही बढ़ाया, 300 रुपए ए लेवल का जो बच्चा है उसको 300 रुपए फीस ली जाएगी। ये एग्जाम फीस होती है, रजिस्ट्रेशन एग्जाम सब कुछ इसी में होता है। और बी लेवल के बच्चे से 500 रुपए लिया जाता है, और सी लेवल का जो बच्चा है उससे 800 रुपए फीस ली जाती है। टोटल खर्चा ये है। इसके जो एडमिशन होते हैं वो एडमिशन अप्रैल और मई में करने होते हैं हमको, अप्रैल मई में एडमिशन किए, जून में एक सीडी बना के हमको सेंड करनी होती है जो भी रीजनल ऑफिस होता है अपना नजदीक है। इसमें सिलेबस की बात यह है कि आप स्टेट बोर्ड का या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड से रिलेटेड, सीबीएसई से रिलेटेड कोई भी सिलेबस है आपको रख सकते हो। आपके ऊपर कोई फाउंडेशन ऐसी नहीं है कि आप स्टेट बोर्ड का या सेंट्रल बोर्ड का किसी का एक का लगाओगे। और दूसरा इसमें यह कि इसमें एग्जाम देने के लिए आपसे वो क्वेश्चन पेपर का मॉडल लेंगे, और उसके बाद आप खुद एग्जाम लेंगे, एग्जाम लेने के बाद आप रिजल्ट देंगे और रिजल्ट उनको सेंड कर देंगे, वहां से वो सर्टिफिकेट्स बन के जारी हो जाएंगे, वो सर्टिफिकेट नेशनल ओपन के हेड ऑफिस से आएंगे, आपको अपने पास से कुछ ऐसा नहीं बनाना। तो ये जो मैं बता रहा था चाहते कि एसपीक्यूएम एक स्कीम है, उसके अंतर्गत मदरसा और स्कूल से है, क्योंकि हरियाणा में मदरसा बोर्ड नहीं था और हरियाणा वाटर बोर्ड इसमें काम नहीं करता, तो उसमें हम लोगों ने काफी लोगों के लिए बताया और लोगों ने अप्लाई किया। उसमें प्राइमरी लेवल के लिए 2 टीचर्स की सैलरी और कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी वो लोग अलहमदुल्ला देते हैं, और मिडिल लेवल के लिए 3 टीचर लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब और 5 टीचर के देते हैं उसके लिए सेकेंडरी लेवल। नेशनल ओपन में यही नहीं और भी बहुत कुछ है। दूसरा इसमें यह है कि जो इडमी स्कीम है उसमें भी आप इससे अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेबल हैं आप उसमें। कल जैसा कि हमारे साथी ने एक ने बताया था, इडमी से आपको 50,000 रुपए तक एक बार एक इंस्टीट्यूट को मिलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और वो सिर्फ माइनॉरिटी के लिए मिलते हैं। तीसरा इसके द्वारा आप अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थोड़े दिन पहले मिली थी, मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन में आपको दो पॉइंट इसमें रह लेते हैं, अगर आप मौलाना आजाद में आप इससे एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और दूसरा इसमें वोकेशनल के और एआई 10वीं 12वीं का भी था लेकिन टाइप पूरा हो गया, माफी चाहता हूँ। सारे रहता ये 8वीं तक का था सारा कुछ, उसके बाद
इसमें दसवीं और बारहवीं की हम मान्यता ले सकते हैं। जैसा कि मैंने सुना है बिदर में अब्दुल कदीर साहब के बारे में, डॉक्टर रफीक साहब, डॉक्टर फखरुद्दीन साहब ने मुझे बताया था, इंशाल्लाह मेरा वहां जाना होगा इंशाल्लाह 17 तारीख को। दसवीं के लिए हम लोग 5 साल रजिस्ट्रेशन कर दिया हमने, आफ्टर रजिस्ट्रेशन हमको 5 साल का टाइम मिलता है। 5 साल के अंतर्गत साल में 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट कर करके हम लोग करा सकते हैं। इसी तरीके से हम 10+2 काम करा सकते हैं। खालिद भाई देखिए बात है, खालिद भाई मतलब यारों के यार बोलते ना, जाकर सुना होगा डायलॉग यारों के यार, माशाल्लाह वो वाला आदमी है कि हमेशा किसी के साथ भी मुसीबत में अपना खड़ा रहता है, अपना सब कुछ छोड़कर। वेरी 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 डेडिकेटेड मैन। एंड यू नो व्हाट, ये जो है सो NIOS के अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर ऑफिस में वहां के डायरेक्टर ने आपकी अच्छी जान पहचान है और आप बहुत आसानी से NIOS का रिकग्निशन दिला सकते हैं। और मैंने कई बार इनको बोला कि कुछ कंसल्टिंग कुछ खोल लो, तो बोलते कि नहीं भाई मैं उम्मत के लिए 1 रुपया चार्ज नहीं करता, ये अगर मैं इतना भी नहीं करूंगा तो कैसी बात है। तो ये जो है ना खालिद भाई का ये बोलना है कि NIOS का रिकॉग्निशन हम में से हर किसी को लेकर रख लेना चाहिए। अगर आप इवन इफ यू अकॉर्डिंग टू हिम, बिकॉज NIOS इज अ वेरी वेरी गुड सिस्टम एंड यू कैन इजीली गेट द रिकॉग्निशन, इवन इफ यू आर रिकॉग्नाइज्ड, यू शुड हैव NIOS सेंटर्स एवरीवेयर इन द कंट्री फॉर द मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ you know, lot of provisions, lot of flexibility in the system. So, you are showing all the system over there. But the bottom line is, you know, kya, Khalid bhai? The bottom line is, you can get up to, OBE is up to 8+. OBE, yes, yes, yes. See, in NIOS, there is a system called as Open Basic Education, which is up to 8+. So, up to 8+, you can, even if you don't have any, if many, many of our friends, they start schools and they don't have any recognition from the state. In that case, what they should do is they should immediately apply for NIOS, get NIOS certification, so you will be recognized by the central government at the national level. You can run the institution up to 8+. And meanwhile, you can keep trying for state government or CBSE or any other boards and then get recognized. So don't leave your school open to any problems. If you open the school, first get it recognized by NIOS and inshallah Khalid bhai can help you up to 8+. Right sir? Yes. No pabandi, there's no restriction on fees, no restriction on dress, no restriction on time. Time and exams. Day. No restriction on exam and age also. Right? Sunday open kar sakte hain. It is good for dropout also, mashallah. Sorry to interrupt. बहुत मोटी मोटी समझ में आने के लिए बात आपको बताने के लिए आ गया ऊपर, ये बोल नहीं रहे थे, मैं बोलने के लिए आ गया। MS इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, अल्लाह की वजह से 77 इसके ब्रांचेस है अक्रॉस इंडिया। हमारे 6 ऐसे स्कूल से जहां पे हमको बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी रिकग्निशन नहीं मिलने की वजह से, उसके काफी कुछ हुआ थे, उसकी रिक्वायरमेंट हम फुलफिल नहीं कर सक रहे थे, तो खालिद भाई आगे आके हमारी हेल्प किए और अल्हम्दुलिल्लाह 6 इंस्टीट्यूशन ये OBE के तहत रजिस्टर हुए। तो आप सोचिए, ये मत समझ लीजिए ये तो हमारा नहीं है, वो गरीबों का काम है, हमारा नहीं है, वो तो जिनके पास मसाइल नहीं है उनका काम है। ये ऐसी चीज है, अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो ये नींद की गोली है जी, आप बिलीव नहीं करेंगे। मैं रातों को सोता नहीं था, हमारी एक ब्रांच के ऊपर ऐसी प्रॉब्लम आई थी आंख बंद करता था मैं, ख्याल आया तो उठ के बैठ जाता था, घरवाली परेशान क्या हो रहा है। लेकिन अल्लाह के फजल से, अल्लाह जजाए खैर दे खालिद भाई को, इन्होंने ऐसा सॉल्यूशन दिया। अच्छा जब इनका सॉल्यूशन आ रहा था, आई वाज नेग्लेक्टिंग, ये मेरे पीछे पड़ते हैं बोलते लतीफ भाई एक बहुत खालिद भाई को सुन लो आप, छोड़ो यार वो, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये कैसे तरीके से निकल सकता, देखो पकड़ो किसको भी, कुछ भी खर्चा हो दो काम कराओ निकालो। एंड अल्हम्दुलिल्लाह द रूट्स व्हिच ही हैज शोन, बिलीव मी इट हैज डन मैजिक टू अवर सिस्टम। So please don't hesitate to go for all this kind of alternative education system. हमारे सोच और ख्याल के बाहर ये सारी चीजें हमारे लिए सपोर्टिव हो सकती है। जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया जज़ाकअल्लाह खालिद भाई, सबको उनका फोन नंबर रखना चाहिए। फोन नंबर किसने कर दिया? मैं अभी दे रहा हूँ, थोड़ा सा और रह रहा, पांच मिनट कम से कम, अभी आप मिलकर कर लेंगे इसको, क्योंकि 5 बजे खत्म नहीं करना है। मैं थोड़ा शॉर्ट में कर दूँ, इसमें दो चीजें और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, माफी चाहता हूं। एक तो NIOS उसकी जो 10वीं और 12वीं का है, दूसरा इसमें जो जरूरी है वो वोकेशनल है AVI। हम लोग बच्चों को स्किल की जो देते हैं उसके लिए सर्टिफिकेट, इसमें तकरीबन 84 सिलेबस है, इसमें सॉरी सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग सर्टिफिकेट यहां से जारी करा सकते हैं। ये हमारे बिजनेस के लिए भी, हम अगर बच्चे कहीं जा रहे हैं उनके लिए भी ये सारा हमारे काम आ सकता है इंशाल्लाह। रही इसके बारे में ये कि थोड़ा सा मैं अपना एड्रेस निकाल देता हूं।
जहां फीस की बात है, मैं फीस जरूर लूंगा इंशाल्लाह, लेकिन फीस मेरी यह है कि आप मेस्को डॉक्टर फखरुद्दीन साहब, डॉक्टर रफीक साहब, डॉक्टर इफ्तिखार साहब, लतीफ साहब, अपने मिसबा साहब, इन लोगों के लिए और मेरे लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे इसमें कुछ अच्छा सा रास्ता, ये मुझे फीस चाहिए, कुछ नहीं, अल्लाह बहुत दिया, अल्लाह का करम और एहसान है। बस डॉक्टर फखरुद्दीन साहब अगर ना होते तो शायद मैं यहाँ तक ना होता, क्योंकि मुझे डॉक्टर फखरुद्दीन साहब, डॉक्टर रफीक साहब जो अपने हैं, इनसे बहुत बड़ा सहयोग मिला है। फाइनेंशियल सहयोग कुछ नहीं होता, सहयोग होता है, जो हेल्प होती है वो एक मॉरल सपोर्ट होती है। और मुझे टाइम टू टाइम डॉक्टर रफीक साहब और मिसबा भाई ने पिछले 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ पकड़ के बुलाया है और यहाँ मुझे सिखाया है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये मेरा एड्रेस है मोहम्मद खालिद के नाम से, आप कभी भी फोन करेंगे, बस एक छोटी सी गुजारिश है, ईशा की नमाज और फजर से पहले ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि उस वक्त में थोड़ा सा मुश्किल चाहता हूँ। जज़ाकअल्लाह।